राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत आप सब लोग मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद फिर सब्जियाँ काट ले थी, और सब्जियाँ काटने के बाद मैंने सोचा चलो यार थोड़ा सा, क्योंकि सब्जी मेरे पास यहाँ पर जो बनाना था तो मुझे भिंडी भरवा स्टफ भिंडी बनाना था, लोबिया कट करके रखनी थी, और यहाँ पर ग्वार फली भी कट करके रखनी थी। इन सब्जियाँ मेरी बेकार हो रही थी, दो दिन पहले आई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो यार इनको पहले कट करके रख लेते हैं, रखने के बाद फिर इनको, फिर क्योंकि ऐसे सब बेकार होती सब्जियाँ। तो रुद्रांश मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो कहीं अंदर बाहर, कहीं बाहर जा रहा है, कहीं अंदर आ रहा है, तो क्योंकि बाहर बहुत गर्म थी, तो मैंने सोचा चलो यार कमरे में आकर के सब्जियों को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो पता है उसकी इंजीनियरिंग आप सभी लोग जानते हैं, जो मेरे वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं वो लोग सभी लोग जानते हैं कि बेटा मेरा कितना इंजीनियरिंग का दीवाना है, कुछ भी करता रहता है, कुछ भी करता रहता है। तो यहाँ पर पता है, तो मैं लोबिया छील रही थी, इसके साथ में कह रहा मुझे करने दो, मुझे करने दो, ये जहाँ पर मेरे सामने ही बैठा हुआ था उसको डांट रही थी। फिर मैं अपना काम करने लगी, उतने बीच में आकर के ये देखो भिंडी को कैसे नचा रहा है। मतलब इसके ऐसे ऐसे कारनामे हैं, ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि बस ये मार खाने वाला काम ही करता रहता है, ये देखो। तो इसको बहुत देर से मेरे को परेशान कर रहा था, और बहुत बदमाशी करता है। इस समय तो इनके हॉलीडेज स्टार्ट हो गए हैं, समर वेकेशंस, तो फिर इसकी वजह से ये मुझे और ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि कहीं इसकी इंजीनियरिंग करना और हॉलीडे होमवर्क के लिए कह दो तो बस, मतलब कैसे इतनी स्लो मोशन में कर रहा है, कुछ कहने को नहीं। यहाँ पर देखो भिंडी लगा रखा है, ये देखो कैसे नचा रहा है। तो बस इसकी यही हरकत है, हमेशा ये शैतानी करता रहता है, इसकी इंजीनियरिंग कभी नहीं जाती। अब इसके बाद जब भी मैं कुछ करने लगी, इसके बाद फिर वो भिंडी लेके, कहीं लोबिया लेके, कहीं कुर्ती लेकर, तो उसको सबको बस ऐसे ही नचा रहा था, मम्मी देखो मम्मी देखो, तो मेरे को काम नहीं करने दे रहा था। तो बस इसकी ऐसे ही शैतानी चालू होती रहती, बस कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ इसका नया फंडा चालू रहता। और मैं सब्जी काट रही थी तो यार टाइम भी हो रहा था, तो चलिए यार बनाते हैं। अभी मैं बनाऊंगी कुर्ती कल के लिए रखूंगी, अभी मैं स्टफ भिंडी बनाऊंगी। और हुआ क्या था, मेरा भी मन करके लाओ यार लोबिया बना लूँ, क्योंकि लोबिया जो थी वो थोड़ी थी, तो मैंने उसको भी बना करके रख दिया, और रख नहीं दिया था, मतलब बना ही लिया था, वो यूज़ भी हो गई थी, क्योंकि सब्जी थोड़ी थी, भिंडी तो ये था जिसको जो बच जाए वो खा लेगा। तो मैंने यहाँ पर भिंडी और लोबिया बनाई हुई थी, आलू लोबिया बनाई हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और ब्लॉग बनाने का मतलब, मेन मतलब ये होता है कि आप मेरे ब्लॉग से कुछ सीख करके जाएँ। तो जैसे कि मैं सब्जियाँ वगैरह बनाती हूँ, तो मैं इसकी स्टफ जो ओकरा है, मैं इसकी जो लिंक है वो दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो देख लीजिएगा जा करके। मैंने उसकी दो तीन वीडियो डाली हुई है अलग अलग प्रकार से स्टफ, और जो फ्राइड भिंडी उसकी, तो मैं दोनों की लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो जरूर जाकर के चेक कर लीजिएगा, तो जिसमें कि आप पूरी की पूरी रेसिपी देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो तीन बारी पहले भी डाला हुआ है, तो मैंने पूरी नहीं दिखाई थी क्योंकि पहले से वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो बनाने में तो भाई मैं घर में बना रही थी, तो मैंने कहा चलो यार आपको दिखाते हैं। लोबिया की जो सब्जी है वो भी हमारी नॉर्मल ही बनी हुई, सिर्फ लहसुन मिर्च अदरक ही डाला हुआ तड़के में, इसके बाद हमने टमाटर और लोबिया छौकी हुई थी, तो थोड़ा सा पकेगा, पकने के बाद इसमें जो मसाले डालेंगे बहुत थोड़े थोड़े स्पाइसेस डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी वीडियो का थोड़ा चेंजमेंट किया है, इसकी वजह से आप प्लीज़ भटके नहीं, जो चैनल है मेरा आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचती होगी। तो अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो प्लीज नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि जब मैं वीडियो डाला करूं तो सबसे पहले आप लोगों तक, मेरी फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस, मेरी फैमिली तक नोटिफिकेशंस पहुँचे, जिसमें कि मेरी वीडियोस जो है आप लोग कंटिन्यू देखें। और जो मैं वीडियोस डालती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उसमें से कुछ ना कुछ आप लोग सीख करके जाएं। तो यहाँ पर मैंने बहुत थोड़े से मसाले डाला हुआ है, दो दो पिंच मसाले डाला, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि सब्जी में ज़्यादा मसाले यूज़ करते तो वो ज़्यादा वैसे हो जाते, कोई भी सब्जी ओवर जो मसाले हो जाते तो फिर सब्जी का जो टेस्ट होता है दब जाता। हैप्पी मॉर्निंग, फिर से स्वागत आप सभी लोगों का न्यू ब्लॉग में। तो अभी मैं काम वाम सारे कर चुकी हूँ, नहाने जा रही थी, उससे पहले मैंने सोचा ला दाल वाल भिगो देती हूँ, मैंने दाल भिगोई हुई है। तो यहाँ पर बनाने वाले हैं तुअर दाल बनाएंगे, यहाँ पर हमने टमाटर भी कट करके रखा हुआ था, इसको इसी में डाल करके पकाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जब आप तड़का लगाते हो तो टमाटर मतलब जो है बहुत अच्छे से गल जाता है। तो यहाँ पर हमने चावल और लड़ी भिगो दिए हैं, दिन यहाँ पर बनाने वाले हैं चाय बनाएंगे, तब तक हम सब लोग, अभी पता है ये समर का ट्रेंड चल रहा है, सबके सब सब सो रहे हैं, और मैं उठी सारे काम वाम निपटाने के बाद, क्योंकि आज मेरी किटी है तो मुझे किटी में जाना है, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी काम निपटाने ही होंगे, तो बस यही चल रहा था। और उसके साथ साथ मैं अपने काम निपटाऊँगी, निपटाने के बाद में फिर काम करने हैं। तो मुझे भी पानी का फिल्टर भी लगाना है, यहाँ पर रखा हुआ है, काम गया वो रखा हुआ है,
तो फ्रेंड्स मेरा किचन छोटा है तो मुझे काफ़ी चीज़ें जो है मुझे अपने किचन में ही रखनी होती है क्योंकि नो मोर स्पेस तो करना ही होता है। तो चलिए चलते हैं, फिर पहले काम करते चाय बचाते फिर मिलते हैं, नहा के आते हैं तब मिलते हैं। तो यहाँ पर कोहू ने कहा था सब्जी बना दो, तो मेरे पास उबली हुई आलू रखी थी तो मैंने आलू जीरा आलू बनाइए, और पता है मेरे पास चार छः भिंडी जो थी उसी बकेट में रह गई तो मैंने भी उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद मैंने इसमें बड़ी बड़ी सी कट करके डाल दिया। तो यार भिंडी और आलू की अगर रेसिपी नहीं पता है तो मुझे कमेंट करना, तो मैं इसको एक बार आपको लोगों को फिर से आलू और भिंडी कैसे बनाते बहुत टेस्टी बनती है तो आप लोगों को बताऊँ। तो फ्रेंड्स सब्जी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया था, आप लोगों को दिख रहा होगा तो सॉरी। तो इसके बाद मुझे तैयार होकर जाना था, मैंने अपना काम कर लिया, फिर बच्चों के लिए खाना वाना बना दी, तैयार हो गई। तो आज मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है, फर्स्ट टाइम पहना है। तो यहाँ पर गोल्डन दुपट्टा है, थोड़ा मोबाइल में वैसा दिख रहा है, और ये हमारा ऑरेंज येलो गोल्डन जो है कुर्ता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, तो आप लोगों को मैं अपना ओवर लुक दिखा दी हूँ। तो इस वाले जो कुर्ते में थोड़ी सी पतली लग रही थी, पता नहीं मैं पतली हूँ भी कि नहीं, ये मेरा ड्रेसअप जो है वो कुछ अलग ही प्रकार का है। एनीवे तो चलिए मैं फिर निकल गई। यहाँ पर जो धूप है कितनी करारी धूप है, और तो यहाँ पर चलिए चलते हैं, तो धूप बहुत तेज़ है तो मैंने कहा चलो यार आप लोगों को दिखा देती कि धूप कितनी ज़्यादा खिली हुई है। तो यहाँ पर बस चलते हैं, और क्योंकि पता है इस समय दोपहर में आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, ज़्यादा गाड़ियाँ भी वैसे नहीं निकल रही क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है। लेकिन क्या है टाइमिंग थोड़ी इसी टाइम की थी कि ठीक है, क्योंकि सब लोगों के पास अपने अपने काम होते हैं भाई, तो इसी वजह से। तो ये मेरी लास्ट किटी है, मतलब दो हैं, दो में से जो एक किटी का लास्ट है, एक किटी अभी नेक्स्ट मंथ तक चलेगी और उसके बाद फिर हम लोग कुछ नया करने वाले हैं, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रहेगा, वो अभी नहीं बताने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देख लिए, तो यहाँ पर सील वगैरह भी बनते हैं, मूर्तियाँ भी मिलती हैं, कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ पर ओवर ब्रिज में, देन हम लोग पहुँच गए फिर आधे, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं करती, वो बहुत से कारण हैं इसलिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ओवर ब्रिज दिखा दूँ, इसके बाद में ये देख लीजिए, तो यहाँ पर ये देख, अच्छा आपको नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं सूट में पतली लग रही हूँ, मुझे नौटंकी सी लग रही है मेरे मन में, मे बी आई डोंट नो, आप लोग कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर किटी का जो अपना कार्यक्रम चालू था तो मैंने कहा चलो एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। तो मेरी तो पहले खुल गई थी, और बाकी जिनकी नहीं खुली हुई थी, जो ये किटी है जो वो, ये मैं बैठी हुई हूँ, इधर दीदी बैठी, वहाँ भी लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। तो आज इतने ही लोग आए थे, कुछ दो चार लोग रह गए थे जो नहीं आए थे। तो यहाँ पर इस महीने में जिसका जिसका बर्थडे है तो काटा जाएगा केक, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस हर महीने में अगर किसी, मतलब बर्थडे पड़ता है किसी एक का हो दो का हो, तो सभी का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पिछली वीडियोज़ में हम लोग बता दिए, और करना भी चाहिए यार, हम लोगों के लिए एक टाइम तो मिलता है, महीने का एक दिन मिलता है, उसमें भी इंजॉय ना करो तो बेकार है। तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने लस्सी पी हुई थी, इस टाइम भी हम लोगों ने लस्सी और समोसे मंगाए हुए हैं, और दीदी का आज बर्थडे है। तो दीदी मीन्स ये जो ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है, नेवी ब्लू, तो उस दीदी का बर्थडे है। और एक और दीदी हैं जो रेड कलर की साड़ी बांधी हुई है, उनका बर्थडे है, और एक और है निक्की अपनी सबकी प्यारी, ये देखिए ये जो थोड़ा सा स्किन कलर का सूट पहनी हुई है। तो इनका तीन लोगों का बर्थडे था, ये तो हो रहा था कि चलो यार सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर लो, बस यहाँ पर मतलब ये नहीं कि जिसका हो वही यहाँ पर सब लोग सेलिब्रेट कर लेते। तो यहाँ पर केक कटिंग हो गई है, तो इस बार क्योंकि खाने इस समय खाने मंगाने का कोई वो नहीं था, एक तो गर्म भी पड़े, ऊपर से ये था कि कुछ ऐसा मंगाओ जो सब चिल करें, तो हमने वो फिर से इस महीने भी मंगाई गई हुई है लस्सी समोसे और केक है, क्योंकि लास्ट मंथ शायद किसी का बर्थडे नहीं था तो नहीं मंगाई गई थी, मतलब केक नहीं आया था, बाकी सब कुछ यही था। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सब लोगों एक दूसरे को केक खिला रहे, इंजॉय कर रहे, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। तो बस यही था, क्योंकि अब एक लास्ट किटी बची हुई है, तो हम लोग फिर से मिलेंगे नए किटी में। तो यार मोस्टली मैंने देखा कि मेरे जो किटी ब्लॉग हैं आप सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, तो फिर से हर महीने की मैं किटी मैं आप लोगों तक दिखाती रहूँगी और आप लोगों से फिर मिलूँगी। तो यहाँ पर ये जो किटी है आज की किटी समाप्त, तो ये रेड वाली साड़ी जो पहनी इनका दीदी का बर्थडे था, और वो जो ब्लू वाली पहनी उनका और निक्की का था। तो चलिए फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में।